टाटा एल्ट्रोस 2021 हो गई है लॉन्च। अब आपको मिलता है इसमें एक नया टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और नया रेंज टॉपिंग एक्सजेड प्लस वेरिएंट। चलिए रिविजिट करते हैं टाटा एल्ट्रोस के वेरिएंट्स को और पता लगाते हैं कि आपके नीड्स के हिसाब से कौन सी फिट बैठती है। वेलकम बैक टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाटा एल्ट्रोस 2021 के कलर ऑप्शंस। एक नया कलर ऑप्शन है जिसका नाम है हार्बर ब्लू, जो सभी इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। सरप्राइजिंगली स्काईलाइन सिल्वर नाम का एक कलर आता था टाटा एल्ट्रोस के साथ, वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। शायद गोल्ड स्टैंडर्ड कार में सिल्वर की कोई जगह नहीं। वेल, बैड जोक्स अपार्ट, आपकी फेवरेट कलर कौन सी है एल्ट्रोस के लिए? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको सभी कलर्स को चेकआउट करने हैं, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द कार देखो ऐप, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टाटा एल्ट्रोस में अब तीन इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। सैडली अब तक एल्ट्रोस में कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है। तीनों इंजन्स के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक 5-स्पीड मैनुअल ही मिलेगा। जो नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन है वो सभी वेरियंट्स में अवेलेबल है। डीजल इंजन XM प्लस वेरिएंट के अलावा सभी वेरिएंट्स में मौजूद है और जो टर्बो इंजन है वो सिर्फ टॉप 3 वेरिएंट्स यानी XT, XZ और XZ प्लस में अवेलेबल है। अब चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि आपके यूजेज के हिसाब से कौन सा इंजन सही रहेगा। देखिए, अगर आप मेजरली सिर्फ सिटी के अंदर चलाते हैं, हाईवे ट्रिप्स बहुत कम है या ना के बराबर है, तब आप नेचुरली एस्पिरेटेड यानी नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन चुन सकते हैं। अगर आपकी प्रेफरेंस पेट्रोल इंजन की है, सिटी के साथ साथ हाईवे ड्राइविंग है, घाट वाले रस्तों पर ज़्यादा ड्राइविंग है, तब आप टर्बो पेट्रोल इंजन चुन सकते हैं। और अगर यूजेज बहुत ज़्यादा है, हाईवे रनिंग काफ़ी हाई है, तब आपको डीजल इंजन चुनना चाहिए, क्योंकि वो अपने माइलेज से आपके जेब को खुश रखेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एल्ट्रोस के बेस वेरिएंट यानी XE के बारे में। जनवरी में इस वेरिएंट के प्राइसेस 15,000 रुपए से बढ़ा दिए गए हैं फॉर द पेट्रोल वर्जन। कोई भी नया फीचर इस वेरिएंट में ऐड नहीं हुआ है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। अब जैसा कि आप एक प्रीमियम हैचबैक से एक्सपेक्ट करते हैं, इसके बम्पर्स और डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलेंगे और टाटा ने इस वेरिएंट में डिटेलिंग का खास ध्यान दिया है। तो बॉनेट पर, साइड में, रियर में आपको पियानो ब्लैक डिटेलिंग देखने मिलेगी और एक स्पॉइलर भी देखने मिलेगा। अगर कुछ अटपटा लगता है तो वो है इसके 14 इंच के पतले से टायर्स। ओवरऑल वो इसके कर्वी डिज़ाइन को सूट नहीं करते, लेकिन अगर आप 14 के जगह 16 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें फिट कर दे, फ्रंट फॉग लैंप्स का स्लॉट जो खाली है उसमें फॉग लैंप्स लगा दे, तो ये कहना मुश्किल होगा कि गाड़ी बेस वेरिएंट है या टॉप। एल्ट्रोस के सभी वेरिएंट्स में आपको एक ब्लैक ग्रे इंटीरियर कलर थीम देखने मिलेगा। बेस वेरिएंट में फ़र्क इतना है कि डैशबोर्ड में जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पर आपको एक सिल्वर निकल फिनिश देखने मिलेगा, ना कि टॉप वेरिएंट वाला सैटिन क्रोम। गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको ये इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये फुल्ली लोडेड मॉडल नहीं है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम नहीं है, स्टीयरिंग व्हील पर कोई रैप नहीं है, यहाँ तक कि रियर पावर विंडोज़ भी मौजूद नहीं है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि असेंशियल्स वेल कवर्ड है। टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग, मैनुअल एसी, फ्रंट पावर विंडोज, फ्रंट 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट सब अवेलेबल है। उससे अच्छी खबर ये है कि एल्ट्रोस की जो 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है, दैट कम्स एज स्टैंडर्ड। इस बेस वेरिएंट में भी ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आप एक स्ट्रिक्ट बजट पे हैं, तब आप एल्ट्रोस का बेस वेरिएंट यानी XE वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल रिकमेंडेशन, टाटा एक रिदम एक्सेसरी पैक ऑफर करता है जिसमें एक म्यूजिक सिस्टम, 4 स्पीकर, ड्यूअल हॉर्न और रिमोट की ऑफर्ड है। डेफिनेटली कंसिडर पिकिंग दैट। चलिए अब चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड वेरिएंट जो है एल्ट्रोस XM। टाटा ने सिर्फ XM डीजल के प्राइसेस बढ़ाए हैं, पर वो भी सिर्फ 5,000 रुपए से। बात करें एल्ट्रोस के XM वेरिएंट के बारे में तो ये उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, स्पेशली जब आप इसका प्राइस कंसिडर करें और फीचर एडिशंस देखें। अगर फीचर एडिशंस पर फोकस करूं तो इसमें एक म्यूजिक सिस्टम मिलता है विद अ 3.5 इंच डिस्प्ले, 2 स्पीकर्स मिलते हैं, रियर पावर विंडोज मिलते हैं और जो बाहर के मिरर्स है उसके लिए इलेक्ट्रिक एडजस्ट और ऑटो फोल्ड का फंक्शन मिल जाता है। जब आप इन फीचर्स को कंसिडर करते हैं तो इसका बड़ा सा प्राइस प्रीमियम ये जस्टिफाई नहीं कर पाती।
इस वेरिएंट के साथ आपको दो कस्टमाइजेशन पैक्स मिलते हैं, रिदम और स्टाइल। रिदम पैक में आपको एक 7 इंच का टच स्क्रीन और 4 स्पीकर्स मिलते हैं और स्टाइल पैक में आपको 16 इंच के व्हील्स, फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स और डे टाइम रनिंग लैंप्स मिलते हैं। ओवरऑल टाटा जो इन कस्टमाइजेशन पैक्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, दैट सीम्स जस्टिफाइड। लेकिन जो उसका बेस है, जो XM वेरिएंट है, दैट इटसेल्फ इज नॉट ऑल दैट वैल्यू फॉर मनी। आर सजेशन, स्किप दिस वेरिएंट। Altroz का XM Plus वेरिएंट फिलहाल सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है, और अगर आप पेट्रोल वेरिएंट ही लेने की सोच रहे हैं तो XM Rhythm के बजाय आप XM Plus कंसिडर कर सकते हैं। कंपेयर टू XM Rhythm, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा 16 इंच के व्हील्स, रिमोट कीलेस एंट्री और फॉलो मी होम एंड फाइंड मी फंक्शंस का, 7 इंच का टच स्क्रीन विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, फ्रंट दो स्पीकर्स। ये सारे फीचर्स XM Rhythm और XM Plus में कॉमन है। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप XM Plus वेरिएंट चुनते हैं तो रियर डोर में स्पीकर्स लगाना ना भूलें। लेकिन अगर आप XT वेरिएंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो वी वुड होल हार्टेडली रेकमेंड यू मेक दैट जंप टू द XT वेरिएंट, क्योंकि ये Altroz का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। Altroz के XT वेरिएंट की प्राइसिंग पेट्रोल इंजन के लिए 14,000 रुपए से और डीजल इंजन के लिए 9,000 रुपए से बढ़ा दी गई है। Altroz का XT वेरिएंट टर्बो इंजन का बेस वेरिएंट है। अगर आप टर्बो इंजन चुनते हैं तो आपको नॉर्मल पेट्रोल वर्जन के ऊपर 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर आप टर्बो इंजन वाला वेरिएंट चुनते हैं तो आपको 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं, बाकी दोनों इंजन के साथ 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं। अब ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ट्वीट टू टाटा मोटर्स, टैग अस, वील टेक दिस अप। लुक्स की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको LED डे टाइम रनिंग लैंप्स मिलते हैं, फ्रंट फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। और अगर इसी वेरिएंट से टाटा 16 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर कर देता, मे बी नॉट ड्यूअल टोन, सिंपल फिनिश के साथ, तो ये और कंप्लीट प्रीमियम हैचबैक लगती। खैर, इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड पर अब एक सैटिन क्रोम फिनिश मिल जाता है, फुटवेल में एम्बियंट मूड लाइटिंग है और चिल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो XM Plus की तरह XT वेरिएंट में भी आपको 7 इंच का ही टच स्क्रीन मिलता है, लेकिन 4 स्पीकर के जगह अब एक 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम आपको देखने मिलेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको इसी वेरिएंट में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट जैसे यूजफुल फीचर्स XT वेरिएंट में ऐड हो जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसा यूजफुल फीचर जो पहले XZ वेरिएंट में आपको मिलता था, जुलाई 2020 से टाटा XT वेरिएंट में ही ऑफर कर रहा है। XT वेरिएंट पर भी एक कस्टमाइजेशन पैक अवेलेबल है जिसका नाम है लक्स, और इस कस्टमाइजेशन पैक के साथ आपको मिलता है स्टाइलाइज्ड व्हील कवर, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर पर, रियर आर्मरेस्ट और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। सरप्राइजिंगली ये पैक आपको टर्बो वेरिएंट के साथ नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये लक्स पैक वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, क्योंकि सिर्फ 18,000 एक्स्ट्रा देकर आप XZ वेरिएंट पर अपग्रेड कर सकते हैं। इसके फीचर्स पर नजर डाल लीजिए। प्रोजेक्टर हेडलैम्प 16 इंच के ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स के साथ Altroz XZ एक प्रॉपर प्रीमियम हैचबैक लगती है। इंटीरियर एक्सपीरियंस भी अब और थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। फुल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और डैशबोर्ड जो है उस पर भी आप एम्बियंट लाइटिंग नोटिस करेंगे। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी एक 7 इंच का TFT स्क्रीन लग जाता है और इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन अपडेट्स मिल जाते हैं, और इस स्क्रीन को कंट्रोल करने के बटन्स आपको स्टीयरिंग व्हील पर ही मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट के मामले में ये बिल्कुल XT वेरिएंट की तरह ही है, एक्सेप्ट इफ़ यू पिक द टर्बो वेरिएंट, क्योंकि नॉर्मल XT वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर मिलते हैं, लेकिन टर्बो वेरिएंट में आपको 4 ट्वीटर मिलेंगे, तो इट बिकम्स एन 8 स्पीकर साउंड सिस्टम। अगर आपकी नई Altroz एक फैमिली कार होने वाली है तो आपको Altroz XZ डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। रियर सीट ऑक्यूपेंट्स के लिए रियर AC वेंट्स, रियर पावर आउटलेट और रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मौजूद है। XZ वेरिएंट के साथ एक अर्बन पैक मिलता है जो प्योरली इसके लुक्स एनहांस करता है विथ कलर कोऑर्डिनेटेड इंटीरियर्स एंड अ ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रूफ। इफ दैट इज समथिंग यू वॉन्ट, कंसिडर स्पेंडिंग फॉर इट।
फाइनली बात करते हैं एल्ट्रॉस के नए XZ प्लस वेरिएंट के बारे में। देखिए, इस वेरिएंट में तीन ऐसे फीचर्स है जो पहले टाटा XZ वेरिएंट में ऑफर करता था और अब XZ प्लस के लिए रिजर्व कर दिया है। फ्लैट टाइप फ्रंट वाइपर्स, रियर फॉग लैंप्स और वेरिएबल की। अगर नए फीचर एडिशंस की बात करूं तो दो मेजर एडिशंस है। सबसे पहला लेदरेट सीट कवर्स जो इसके कैबिन को थोड़ा और प्रीमियम बना देते हैं। दूसरा एडिशन है आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। तो एक ऐप के मदद से आप घर बैठे बैठे आपके एल्ट्रॉस को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, लाइट्स ब्लिंक कर सकते हैं, हॉर्न भी बजा सकते हैं। लेकिन दूसरे कनेक्टेड कार्स की तरह आप एल्ट्रॉस को रिमोटली स्टार्ट नहीं कर सकते और एसी भी नहीं चला सकते। एसी से याद आया, एल्ट्रॉस के XZ प्लस वेरिएंट में और एक छोटा फीचर एडिशन है जो है एक्सप्रेस कूल, जो ओवरऑल कैबिन टेम्परेचर को जल्द से जल्द कम करने में आपकी मदद करेगा। ओवरऑल इस वेरिएंट में कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसके बिना आप नहीं रह पाएंगे। अगर बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, श्योर यू कैन पिक दिस वेरिएंट, नहीं तो XZ वेरिएंट आपको खुश रखेगा। चलिए जल्दी सभी वेरिएंट्स का एक स्नैपशॉट देख लेते हैं विथ आर वेरिएंट वाइज रिकमेंडेशंस। सो दैट वॉज एल्ट्रॉस 2021 वेरिएंट्स एक्सप्लेन। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए, लीव देम इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।